हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस जो होती है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है एनिमल सेल में, जो कि प्रेजेंट होती है। इसको अपन ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, लाइक ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को, तो इसलिए अपन इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ओके, ये जो है जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। तो इस जेनेटिक डीएनए में जो होती है सारी इन्फॉर्मेशंस होती है आगे बॉडी सेल्स के लिए। तो ये जो है सारी जेनेटिक मटेरियल जो है सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। ये जो है दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं और आउटर वाली को आउटर। इसमें जो है ये न्यूक्लियर स्पोर्स प्रेजेंट है, जिससे जिसके थ्रू अपना आयंस और प्रोटीन का एक्सचेंज होता है। इसके ऊपर की साइड जो है आरईआर प्रेजेंट होती है, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आगे जाके। ये मेम्ब्रेन पोर्स हो ही गए जो कि एक्सचेंज कराते हैं आयन और प्रोटीन का बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, देन अपन इसका न्यूक्लियस का नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली जो होता है न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट होता है, बट इन पैरामीशियम एंड कोकोनट के एंडोस्पर्म में मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये आपको याद करना है, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। देन जैसे कि आप पढ़ सकते हो एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, जो कि आरबीसी होती हैं, आरबीसी और सीप ट्यूब सेल्स। सीप ट्यूब सेल्स ऑफ मैनी वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर प्लांट मीन्स जैसे जाइलम और फ्लोएम। सीप ट्यूब सेल्स जो है फ्लोएम का पार्ट है। सीप ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके सीप ट्यूब सेल्स जो होती हैं कंपेनियन सेल्स के थ्रू अपना न्यूक्लियस शेयर करती हैं, तो इन दोनों में ये एबसेंट होता है। और पैरामीशियम और कोकोनट के एंडोस्पर्म में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नंबर क्वेश्चंस इज फॉर यू दैट सेल जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली कैसे दिखाता है, किसके थ्रू दिखाता है? सेंट्रल न्यूक्लियोपोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट किसका वीडियो चाहिए। ओके, बाय बाय।